ओह शिट, कितनी धुंध है, जीरो विजिबिलिटी। तो भैया टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और हमें वेट करते करते हो गया बहुत देर। हम घुस खेलने गए लगे, हम रजाई में घुस गए रजाई में वापस और खेलने लगे लूडो। लूडो। मेरी है ब्लू। और ये यहाँ पे किसान आंदोलन के चलते हुए बिल्कुल ही गांव में से निकलना पड़ा हमें। और यहाँ पे इनका लाइफस्टाइल देखिए, कितना देसी लाइफस्टाइल है, कैसे टेंट वगैरह लगा के बैठे हैं बेचारे, ट्रैक्टर्स के अंदर पूरा गद्दे वद्दे बिछा के सो रहे हैं। कमी किसी चीज़ की भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है इनके पास, जो चीज़ें आप सोच सकते हो ना। दे हैव इवन हीटर एंड अदर फैसिलिटीज़, अमेजिंग थिंग्स मैन, अमेजिंग, हैट्स ऑफ यार, इतनी ठंड में भी बेचारे सरवाइव कर रहे हैं। A few moments later. और अभी हम रुके हैं बीकानेर वाला पे टू हैव सम ब्रेकफास्ट। अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने, पूरी फैमिली पीछे है और मौसम का हाल थोड़ा सा बेहाल हो रखा है, पूरा ही फॉगी फॉगी वेदर है, बुरा हाल है। अभी तो 6 घंटे की ओवर ड्राइव रह गई है, लेट्स सी आगे क्या होता है। एक्सेल टूट गया। हाँ जी, तो गाइस अभी हम रुके हैं थोड़ा खाने, पेट पूजा करने के लिए। पेट पूजा बहुत ज़रूरी है ना, तो पेट पूजा करने रुके हैं यहाँ संत पे। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ लोकेशन है इसकी, ठीक है, दिखाता हूँ। यहाँ बच्चे मस्त मज़े में झूले झूल रहे हैं। आउटर सीटिंग बहुत बढ़िया दे रखी है, अपने गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है। ये है संत, मस्त रिजॉर्ट है। आउटसाइड टेबल वगैरह पूरे लगे पड़े हैं। ये मेरे फैमिली वाले बैठे हैं यहाँ पे, झूले झूलते मस्त एकदम। फाइन सू, ये हमारे प्यारे इकलौते मास्टर जी। आज कंटेंट थोड़ा कम बन रहा है क्योंकि पूरे रास्ते एक तो ट्रैफिक बहुत रहा किसान आंदोलन की वजह से, और फॉग वगैरह बहुत ही, मौसम भी बहुत अजीब सा हो रखा था, तो उस वजह से टाइम में डीले बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी अब तो निकले, अभी भी स्टिल 5 घंटे कम से कम लगेंगे अमृतसर पहुंचने में। रूम वूम हमने यहीं से बुक कर दिए हैं पहले ही, ताकि वहां जाके दिक्कत ना हो। हमारा प्लान था नाइट में वापस आने का, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो एक्सटेंड हो चुका है नेक्स्ट डे को, क्योंकि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट हमारा साथ नहीं दे रहा है उसको देखते हुए। तो चलो खाना वाना खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा।
लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, मस्त एकदम। जहाँ तक आप देख रहे हो ये सारी जमीन मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ठीक है भाई। मस्त खेत है। ओहो धूप, वाओ मैन, ऐसी जगह घर हो यार, मस्त मज़ा भी है रहने का। वाओ खाना पीना हो लिया अपना, छिक्के खा लिया, और मुझे यहाँ का खाना ना बिल्कुल स्वाद, एक नंबर खाना, बढ़िया लगा। जब भी आओ अमृतसर ट्राई करना, मेरे को कौन से पैसे दे रहा है ये, ट्राई करना, बढ़िया खाना है। संक्रांति की तैयारियां, पतंगे बिक्री हैं, दब्बा आगे, अमृतसर का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है ये। Later. So, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है ये, बट ये जो देख रहे हैं ना आप सामने, लाइन इज लाइक मोर देन अ किलोमीटर, और हम अभी दर्शन नहीं करने वाले। और ये पानी बहुत बर्फ जैसा फील हो रहा था, टेम्परेचर है 2 degrees के अराउंड एंड आई एम फ्रीजिंग राइट नाउ। प्लान है कि सुबह आके दर्शन किए जाएं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, तो अभी तो घंटों तक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत थके भी हैं तो हिम्मत भी नहीं है लाइन में लगने की। The next morning. तो अभी हम जा रहे हैं श्री हरमिंदर साहब गोल्डन टेंपल जिसे कहा जाता है। वो घड़ी अंदर घुस गई मेरी, 7 बज रहे हैं अभी। फॉग देख लो, टेम्परेचर बहुत फ्री, अपन तो फुल पैक है बाबा, ठंड बहुत ज़बरदस्त है। रोड तो अभी खाली पड़ी है, बट वहाँ पे ना बहुत भीड़ मिलेगी अभी भी। और यहाँ बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे कबूतर थे, तो यहाँ पे सारे लोग इनको फीड करते हैं दानों के साथ, चने के साथ, और ये बहुत प्यार से खाते हैं, बच्चे भी फीड कर रहे हैं। सुबह सुबह इसलिए हैं क्योंकि कल रात को भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
काफ़ी लंबी लाइन थी, तो इस वजह से दर्शन कर नहीं पाए और थके बहुत हुए थे, तो लाइन में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। और यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कल रात से 10 times बढ़ी है। 8 बज चुके हैं, हम लाइन में लग चुके हैं। 1 hour later और इतनी भीड़ में, ठंड में, 3 degree टेम्परेचर के अंदर नंगे पैर खड़े हमें ये ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। Much later और पैर एकदम ठंडे सुन्न हो चुके हैं, सब बहुत परेशान हैं। और 2 घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे, अगर हम कल रात को आते तो लाइन यहाँ से शुरू हो रही थी। 3 hours later इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सो आई एम पुटिंग माई मोबाइल डाउन एंड फाइनली प्रसाद मिल चुका है, दर्शन हो चुके हैं। तो 11:30 हो चुके हैं, 7 बजे लाइन में लगे थे, 4-5 घंटे हो गए हमें, 4.5 घंटे अब जाके फाइनली होके आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा धुंध है, हद से ज़्यादा धुंध है। और ये इतनी भीड़ है, कल रात को एकदम खाली था, हमें कल रात को ही दर्शन कर लेने चाहिए थे। और इन लोगों की शॉपिंग से मैं दुखी होता हुआ, परेशान बंदा। और ये वापस आते टाइम बहुत ही फेमस जगह है बिरजू बर्फी वाला, देखिए कैसे इनकी बर्फी तैयार हो रही है, बिल्कुल सामने है सब कुछ, पूरा बेसन से ये बर्फी बनती है, भट्टी आन लगी पड़ी है सारी, इतनी ठंड में मज़ा आ रहा है, ये देखो वाह। हम रुके हैं यहाँ मन्नत पे फॉर डिनर। और ये जो बर्फी थी, एज यू सीन, एकदम फ्रेशली बेक्ड थी और इसका टेस्ट बहुत ही प्योर है। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग, इफ यू एंजॉयड सो हिट द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो अगर मैं इस ट्रिप का ओवरव्यू दूँ तो ये ट्रिप एक्चुअल में काफ़ी टफ रही हमारे लिए, क्योंकि वहाँ जाके एक तो एक किसान आंदोलन की वजह से पूरे रास्ते ट्रैफिक लगा रहा, रोड गांव-गांव वगैरह से होके निकलना पड़ा, वापसी में भी गांव वगैरह से होके आना पड़ा, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, प्लस वहाँ जाके बहुत ऑलमोस्ट 5 घंटे हम लाइन में खड़े रहे नंगे पैर, 3 degree टेम्परेचर में एकदम पैर सुन्न हो गए थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट फाइनली दर्शन बहुत अच्छे हुए, मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया दर्शन करके। तो अभी लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करके बताओ व्लॉग कैसा लगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन दिस इज़ यतिन शर्मा साइनिंग ऑफ, पीस आउट गाइज। Check the mic and make sure it sound right, boys.